तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन के 3:30 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। सबसे पहले तो ना मैंने तो आज मैंने झाड़ू पोछा भी किया है और अपने बाल भी धो रखे हैं। तो ये थे थोड़े थोड़े गिल्ले गिल्ले, तो ऐसे ही मैंने रबड़ लगा दी है यहाँ पे। और मुझे जाना है मंदिर के पास, तो वहाँ पे ना खुले बाल नहीं ले जा सकते क्योंकि ये हमारा कल्चर है नहीं कि खुले बाल। कैसे भी मैं घर में खुले बाल नहीं रखती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब या तो पीछे गुट्टा जैसा कर लेती हूँ या तो फिर चोटी बना लेती हूँ, तो अंदर वगैरह लगा लेती हूँ। पर आप भी ना ये थोड़े गिल्ले हैं, तो मंदिर के पास जा रही हूँ और शिवरात्रि नज़दीक आ गई है तो वहाँ पर कर रहे हैं चूना वगैरह। तो जो वहाँ पर काम वाले हैं उन्होंने खाना खा लिया है गाँव में, और अब मैंने बोला है उनको मैंने बोला है उनके लिए कि मैं चाय आपको लेकर आऊँगी। तो अभी एक तो हमारे संत राम लगे हुए बाहर काम करने, उसके लिए भी बना रही हूँ और मंदिर के पास भी जा रही हूँ। तो शायद फ़ोन तो नहीं ले जा पाऊँगी वहाँ पे क्योंकि चल देखती हूँ, अगर ले जाऊँगी तो वहाँ से भी थोड़ा सा शूट कर लूँगी। पहले मैं चाय डाल लेती हूँ, फटाफट से जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो चाय एकदम से ठंडी हो जाएगी। और दो गिलास फिर मैं थर्मस भी नहीं ले जाऊंगी क्योंकि थर्मस बड़ा है, तो इस बाल्टी में डालूंगी मैं चाय 2 गिलास और 1 गिलास दूंगी बाहर संतराम के पास। तो चलो मैं फटाफट से डाल लेती हूँ। सारी डाल देती हूँ और फिर चलते चलते 1 गिलास संतराम को दे दूँगी और गैस रखी जली हुई, और बाकी ले जाऊँगी बाहर फटाफट से। गिले नहीं आ रहा है, बड़ा माखड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ले ले जल्दी जल्दी, ये ठंडी जाने किसने जाऊँ बाहर पहुँचने। तो भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ना चाय जब ठंडी हो जाती है तो उसका स्वाद आधा हो जाता है, फिर उतनी टेस्टी नहीं रहती, वो टेस्ट नहीं रहता चाय में जो गर्म गर्म चाय में होता है। आज ही आयो रे कहीं नहीं गारे हाथिया को घेरा रख। ये हमारा शिव मंदिर और यहाँ पे हो रहा है रंग क्योंकि 8 तारीख को ना शिवरात्रि आ गई है, तो ये लोग आए हुए यहाँ पे और मैं आई थी चाय देने के लिए। चलो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जा रही, मैं पूछ रही हूँ कोई हेल्प है मेरे करने की तो बताओ। और आज पंकज के पापा जी भी नहीं है घर पर, अदरवाइज वो आने थे यहाँ पे ना कुछ हेल्प हो जाती है और पे हेल्प की जरूरत है, तो ये काम लगा हुआ है यहाँ पे। और ये है आसपास का व्यू, और आजकल ना पतझड़ लग जाती है तब गांव के कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तो दिखते ही नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। विशु भी आ गया, विशु जा रहा तो यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता है ना, पर टाइम चाहिए होता है यहाँ पे आने के लिए। तो ये हमारा सरकारी स्कूल है और ये हमारा घर है और हमारी जो गौशाला है, यहाँ से बड़ी प्यारी लग रही है। चलो थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ। और ये इन्होंने सीढ़ी बांध रखी है, 2 सीढ़ियाँ कर रखी है इकट्ठी, तब जाकर ना ऊपर तक यहाँ से सूरज है। और अभी 4-5 दिन लगेंगे शायद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना काम बहुत ज़्यादा है करने को, और शिवरात्रि का जो भी रहेगा वो आगे देखा जाएगा। और आसपास का ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे शनि देव जी का मंदिर है, और ये आसपास का व्यू है हमारे। तो चाय मैंने पिला दी है इनको और अब ये करेंगे अपना रंग पेंट का काम, और मैं चलती हूँ अपने घर। और यहाँ से आगे पिछले कल आए थे मेरे मायके से मेहमान, वो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि मेहमान तो हर कभी आ जाते हैं, पर सभी मेहमानों की ना वीडियो नहीं बनती क्योंकि लोग कई लोग ना बुरा मान जाते हैं और ऐसे हिम्मत भी नहीं होती, ऐसे भी कैमरा उठाए रखो वीडियो बनाते रहो, आज ये आए कल वो आए परसों से आए। पर वो मेरे मायके से आए थे तब ना मायके वाले की तो वीडियो बनाना बनता ही है, और वहाँ हिम्मत भी होती है और कुछ ना कुछ बोलने का
ये आज मेरे माई की साइड से आए हैं। ये मेरे मासी है, इसको आप जानते हैं। ये इनकी छोटी वाली बहू है, ये बड़े वाले बहू है, और ये दोनों इनके बेटे हैं। और आज मैं गई थी ना घास लाने के लिए, तो खाना बनाने में थोड़ी देरी होगी। देरी तो नहीं हुई, अभी 12 बजे, पर मैं सोच रही थी अगर जल्दी से खाना बना देते ना तो बाहर बैठ कर गप्पे लगाते। ये मासी, मासी को तो बहुत लोग जानते हैं मेरे मासी को। और ये इनकी बहू है, ये वाली, ये छोटी है, ये वाले बड़े हैं, और ये दोनों इनके बेटे हैं। और पीछे मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर कर रखा था ना, तो जब मैं अपने मामा के घर गए थे तब भी आए थे, ये भाभी भी आए थे छोटे वाले। आए कर दो सब जने, बोल दे कुछ नहीं है। बाय बाय बाय। तो मैं अभी खाना खिला लेती हूँ। अब ये यहाँ पे ना खिला रहा पड़ा हो, देखो खाना बनाने की तैयारी है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर ना बात करेंगे, अगर इनके पास टाइम होगा तो। और तो मैं खाना दे देती हूँ, देखो मैं किचन का हाल देखो पहले। ठीक है, बोले कर दो। धन्यवाद धन्यवाद। घीच बहुरिया सा वीडियो बनाने दी और क्या। तो ऐसी होती है हमारे हिमाचल पहाड़ वालों की मेहमान नवाजी। तो पहले चावल मीठा वगैरह देते हैं और उसके बाद सब्जी वगैरह, तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो चलो आज मुझे भी मौका मिला है, क्योंकि मेरे रियल मायके से आया। ऐसे ना हर किसी की वीडियो बनाई भी नहीं जाती है, कई लोग अच्छा मानते हैं कई बुरा। क्यों भाभी जी? तो ये अपने बंदे, अपनी भाभी है, इसलिए फ्रैंक को करना वीडियो बना लेते हैं। ऐसे कोई ना कोई तो चला ही रहता है। आपको बताया हमारा घर ऐसे भी बीच रास्ते में है, तो किसी को चाय, किसी को पानी, किसी को रोटी, पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता सभी का। तो अपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। खुशी होती है भैया मेरे मायके वाले आए हैं, तो मैं सब्जी दे देती हूँ। खाना खाकर हम फ्री हो गए और अब लाएंगे अपने पशुओं के लिए पानी। और मासी और भाभी जी भी आ गए हमारे पशु देखने के लिए, तो पहले पानी पिला लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अंदर खाना खाने के बाद, गप्पे लगाई हमने और बर्तन वगैरह, मतलब किचन का काम फिनिश हो ही गया है। और अब पिला लेती हूँ मैं पशुओं के लिए पानी, और अब ये सभी लोग जो है हमारे पशुओं को देखेंगे शायद, उसके बाद फिर चाय पीने के बाद वापस चला जाएंगे। चलो मैं पानी भी ला लेती हूँ पहले। क्या बोल रही मासी? देखो मेरी मासी बोल रही क्या क्या बनाया हुआ यहाँ पे, गोडे ये फू ना काम देने वाला है। हाँ फिर ना ये सेड़ी ने देने पे तो बड़ा भर रेत निकलू। हाँ हाँ ये जे कितना बात ते ना ना ये बैठने जो ही ना पे थाली चिक्कड़ नहीं लगो डाली हुई घास ना तो लटकानी। अच्छा बरखा पानी है रे दो ये बारे इत ऊपर कहा भर रहा बना दे बेचे आ ते बे अंग हो गया गोबर रिया। अब भाभी और अपने घर ना, मैं बोल रही थी इनको कि रुक जाओ थोड़ी देर, बोल रहे चल जाने इनके बच्चे जाने कहीं काम के लिए। मासी ए तुम बंद करो तुम बंद करो जे मई मासी के कोट में दे के तुम बंद करो के फोटो लग रु मुन्नी लेने। तो अब ये जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ इनको गाड़ी में छोड़ने के लिए, गाड़ी ला रखी है इन्होंने। और दोनों बेटे ना वेट कर रहे हैं इनका, चलो भी जल्दी से क्योंकि इन्हें भी अपने अपने काम पर जाना होता है। ठीक है अभी बाय 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 बाय। मासी को बोल रही हूँ ना मैं भी, मासी यहीं पर है, मासी बोल रही हूँ नहीं फिर आऊँगी मैं, पता नहीं क्या काम है आजकल तो फ्री के दिन है। मासी टाटा, मासी टाटा। मेरा भतीजू बोल रहा है अभी बन गई वीडियो, बोल रहे हैं अब हम चल पड़े। हेलो हाँ कर दो इनको, एक पीछे बैठे हुए। तो ठीक है फिर आना कभी है ना, और अपना अपना काम आप ध्यान से करना, गाड़ी ध्यान से चलाना और मासी का ध्यान रखना। मासी को ना बहुत खुश रखती है दोनों भाभी सच में।
चलो पोतरू तो आगे की बात है, पर पहले बहू की है। हाँ, अब तो पोतरू की है, बहू तो अब बुद्धि हो चुकी है ना। अच्छा ठीक है मासी, ठीक है, लगेगा तो आना हमारे घर। हाँ सांझा जो, ठीक है मासी, सची आए हो ना। अच्छा दो पता क्या बोल रही है भाभी, पाऊ हो रहा भाई, किस ते भी आऊना सच भेजे आना। हाँ वही आऊंगी, पार खमास आऊगी आए तो। कोई नहीं का, आई तो मायके वाले चल गए हैं अपने घर, और तुलसी देवी फिर से हो गई घर में अकेली, बच्चों के बिना और बूढ़ों के बिना ना घर सोना सोना जैसा लगता है। चलो बुजुर्ग तो हमारे बेचारे ना बहुत साल पहले चले गए थे हमें छोड़कर, पर बच्चे थे वो भी अपने अपने ट्रेनिंग के लिए बाहर चले गए ना, तो अब सोना सोना जैसा लगता है घर। और पतिदेव जी भी आजकल बाहर कर रहे हैं घर से बाहर ना काम, तो अकेले रहना पड़ता है घर में, ना कोई बात करने वाला ना कुछ नहीं। पर चलो जैसे जैसे दिन आएंगे वैसे वैसे ही काटते रहेंगे। और अभी टाइम पता नहीं 1:30 या 2 बजे का हो गया है, शायद ऐसा ही कुछ है। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है, इसलिए हमने अपने अपने कामों में व्यस्त रहना चाहिए। ठीक है, तो बादल का जैसा मौसम बना हुआ है, हवा हल्दी चल रही है ठंडी ठंडी, और आज पशुओं का स्नान नहीं कराया क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम भी हो गया था और मेहमान भी आए थे, तो इसलिए आज पानी पिलाया इनके लिए। और बस जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि, हिमाचल।